जी बिसमान रहीम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप भरपूर तरीके से अपने इनकम टैक्स के आ, नुमेरिकल के जो है वो जनाब तैयारी कर रहे होंगे हम लोगों ने इनकम टैक्स के नुमेरिकल के जो रूल्स हैं या फॉर्मेट है या सादा लफ्जों में कहें तो रट्टा है उसके ऊपर जो है वो बात करना स्टार्ट की हुई है आप अपने इस नुमेरिकल के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से जनाब तैयार करें क्योंकि जितना अच्छा फॉर्मेट आता होगा उतना आपके लिए ईजी होगा नुमेरिकल को तैयार करना तो हमने लास्ट क्लास में ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बात की थी लेकिन वहां पर कुछ चीज़ें रह गई थी लिहाजा जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली पहले तो वो वाली क्लास ले ना उसके बाद वो आज वाली क्लास पढ़े ताकि उनको कुछ समझ आ सके कि आज डिस्कशन क्या हो रही है भाई मैंने आपको ना पिछली क्लास में बताया था कि नोट थ्री जो है ना इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वो बता आने वाली क्लास में दिखाऊंगा और मजीद डिस्कशन भी कर लेंगे तो बिल्कुल जनाब अभी नोट थ्री भी आपको दिखाते हैं और थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं मैंने आपको बताया था जब हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और उसके ऊपर हमें हुआ मुनाफा तो उस मुनाफे के ऊपर कितना टैक्स होगा ये बात तय करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने उस प्रॉपर्टी जिसको बेचा है वो अपने पास रखी कितनी देर थी जनाब अगर तो हमने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा था एक साल तक तो फिर जो है जितना भी आपने उसके ऊपर मुनाफा कमाया उस मुनाफे के ऊपर टैक्स लगेगा और सारे के सारे मुनाफे पे टैक्स लगेगा एग्जाम्पल आपने ना आज से को तकरीबन दस ग्यारह माह पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आपने खरीदी थी फर्ज करें पांच लाख रुपए की पांच लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने उसको बेच दिया है जनाब छ लाख रुपए में छह लाख रुपए में आपने बेचा आपको जो मुनाफा हुआ वो हो गया एक लाख रुपया इस एक लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपने जो है ना वो टैक्स देना और सारे के सारे एक लाख पे देना ऐसा नहीं कि एक लाख के कुछ हिस्से पे अच्छा सर अब इस पर टैक्स देना कितना ये तो तय हो गया कि कितनी अमाउंट पे टैक्स देना है इस पे टैक्स देना कितना तो वो जनाब लिखा हुआ है नोट थ्री में कितना टैक्स देना है अब हम चलते हैं नोट थ्री पे कि नोट थ्री हमें क्या बता रहा है कि आपने कितना जो है वो टैक्स देना है तो ये जनाब इस वक्त आपके सामने नोट थ्री के रेट्स ए, ये जनाब अली नोट थ्री के रेट्स उम्मीद है आप सबको इस वक्त नजर आ रहे होंगे जनाब नोट थ्री के रेट्स ये देखें बताया उसने उसने कहा कि पांच लाख रुपए तक जो आपका प्रॉफिट है ना उसके ऊपर आपका टैक्स होगा थ्री पॉइंट फाइव परसेंट और हमारे डिस्कशन के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है एक लाख और एक लाख रुपए के ऊपर सारे के सारे पे हमने टैक्स देना है तो कितने परसेंट देना थ्री पॉइंट फाइव परसेंट अब हम क्या करेंगे एक लाख रुपए का थ्री पॉइंट फाइव परसेंट लेंगे तो ये जो जवाब आएगा इस जवाब को जनाब हम जो है वो बोलेंगे कि ये हमारा टैक्स है ठीक है जी ये बेटा मेरे आपने स्टोरी याद रखनी है इसके बाद अगली जो है वो स्टोरी सुनिएगा आपको मेरे एक बच्चे की जो है वो आवाजें भी आ रही होंगी वो कह रहा जी मुझे बोटी खिलाएं मैंने कहा आपने खुद सुन लिया तो चले मैं आपको बता ही दूँ अच्छा मेरा बेटा अब अगली बात जो है वो सुने एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे ले जी अगर हमने प्रॉपर्टी बेची एक साल के बाद और दो साल से पहले तो जितना हमने मुनाफा कमाया प्रॉपर्टी बेचने पर उस मुनाफे का पचहत्तर परसेंट लें और उसके ऊपर टैक्स लगाएं चले जी फर्ज करें हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी दस लाख रुपए की बेची है हमने सोलह लाख रुपए की ठीक है जी सारे ना मुनाफा हाँ जी जनाब बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया पाकिस्तान स्टेबल हो गया तो सोलह लाख की बेची तो छह लाख रुपया ना प्रॉफिट हुआ इस छ लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स देना है नहीं छे लाख पे नहीं टैक्स देना क्योंकि हमने प्रॉफिट का कितने परसेंट लेना पचहत्तर परसेंट तो लाख रुपए का निकालें पचहत्तर परसेंट क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी एक साल के बाद और दो साल से पहले सेल हुई है तो छे लाख का पचहत्तर परसेंट निकालेंगे तो वो मेरे ख्याल है आ जाएगा चार लाख पचास हजार चार लाख पचास हजार के ऊपर अब हमने टैक्स देना कितना ये हम चेक करेंगे जाके नोट थ्री में से चार लाख पचास हजार के ऊपर कितना टैक्स लगता है तो भाई चार लाख पचास हजार के ऊपर फिर से ये पहले वाला रेट ही लगेगा क्यों क्योंकि पांच लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर आपका ये टैक्स रेट है तो हमने अब चार लाख पचास हजार का कितने परसेंट लेना है थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये जो ये जो आंसर आएगा आपका टैक्स है क्लियर तो इस तरह से आपका अगर फर्ज करें प्रॉफिट हो गया आ, दस लाख पांच लाख से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो गया छह लाख तो वो लाख के छह लाख के ऊपर अगर टैक्स लगा फर्ज करें वो आपने एक साल से कम अरसे के अंदर अंदर भेज दी थी तो इसलिए सारे ही प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना है तो अब जो है वो आपका क्योंकि वो प्रॉफिट पांच लाख से ज्यादा है तो अब आप साढ़े सात परसेंट देंगे उम्मीद है कि आपको ये दो एग्जाम्पल जो मैंने बताई हैं इनके साथ बात जो है वो समझ आई होगी दोबारा से आपको ये लेके आया हूँ तो अब आपने हमेशा जब भी टैक्स कैलकुलेट करना है ना रिमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने जनाब कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टी जितने की बिकी उसमें आप चेक कर लें आपका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आपने देख लिया फिर आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी आपने बेची कितने अरसे बाद फर्ज करें आपने बेची चार साल बाद तो फिर जितना आपका प्रॉफिट है उसका ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव परसेंट लेके वो जो अमाउंट आएगी उसके उसके ऊपर जो, तो जो प्रीवियस रह गई थी आप थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं जनाब ये हम सारी बातें कर चुके हैं अब हमारा आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ चीजों के ऊपर टैक्स है और कुछ के ऊपर टैक्स नहीं है गिफ्ट आपको मिला है तो कोई टैक्स नहीं है आपने जनाब प्रॉफिट लिया है सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर और पर्सनल कार घर का फर्नीचर बेच के घर अपनी जाती कार बेच के जो आपके पर्सनल यूज में थी प्रॉफिट अर्न किया तो कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है इंश्योरेंस मनी आपने रिसीव की है आपने जहा अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करवाया था बीस सालों बाद आपको दो चार करोड़ रुपया मिला तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड बिर मुल्क से आपने कोई रकम ली है कोई टैक्स नहीं है और लोन रिसीव थ्रू द क्रॉस चेक कोई आपने कर्जा वगैरह लिया है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्रॉस चेक के जरिए अगर लिया है कैश अवार्डेड कैश अवार्ड और कोई मेडल वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेजिडेंट ने दिया है तो कोई टैक्स नहीं है स्कॉलरशिप के ऊपर कोई टैक्स नहीं है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और अदर डिपोजिट सर्टिफिकेट कोई टैक्स नहीं है तो सर पे टैक्स है किस किस पे लेजिए आप वो भी बातें आ गई ये बहुत सारी चीजें हैं जी जिन पे? टैक्स है यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे मजीद आप जो है वो साथ रहिएगा और अच्छे से जो है वो इसको तैयार कीजिएगा प्रीवियस सारी चीजों को देखें ताकि हम जो है वो इसको अच्छे से वाइंड अप कर सकें एक से दो लेक्चर हमारा रह गया इसका फॉर्मेट का उसके बाद इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर डिस्कशन बस नुमेरिकल की और नुमेरिकल उसी को आएगा जिसको फॉर्मेट आता होगा कीप वॉचिंग आप तो